बिल्कुल, जब सिकंदराबाद आउट हुई तो बिस्माबाद जाए, फिर यही बातचीत थी कि हमारी पावर प्ले में हम कोशिश करें बगैर विकेट गिराए जितना अच्छा स्कोर कर सके वो करें, क्योंकि हम दो मैच से यही मिस्टेक कर रहे थे कि हमारी विकेटें गिर रही थी जिसकी वजह से फाउंडेशन नहीं बन पाती थी। तो यही थी कि हम जितना पावर प्ले में 35 अगर 40 हो जाए तो वो अच्छा है, बट हम 35-30 भी अच्छा होगा अगर हम विकेट ना गिराएं। तो हमने फिर आगे प्लान किया हुआ था कि जैसे ही लाइट्स खुलनी है तो हमें थोड़ा फ़ायदा होना है, क्योंकि बाउंस भी सही हो जाता है और बॉल भी गीला होता है। तो हमने यही सोचा था कि उनके लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर्स पे ज़्यादा रन बनाएंगे, जो कि वो हमें फ़ायदा हुआ आज। बिल्कुल फ़ायदा होता है जब आप सीनियर प्लेयर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि आपको गाइडलाइन मिलती रहती है। और बातचीत हम दोनों की यही थी कि हम लोग अपना बॉलर्स पिक करेंगे, किस पे किसने रन बनाने, किधर बाउंड्री ऑप्शंस हमने देखने। तो वो आज हमें हम जो सोच रहे थे वो हो रहा था, तो क्रेडिट उनको भी जाता है कि मैंने और उन्होंने काफ़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई, जो कि एंड में ताकि हम रन रेट ऊपर करें, जो एंड में अच्छा स्कोर हुआ। ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि थोड़ी बैटिंग आप इन कंडीशन में करो तो आप यूज्ड टू होने लगते हो कि किस तरह से आगे बिहेव करेगी पिच। बट दूसरे हम शहर जा रहे हैं, हमारे वहाँ कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी हैं, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी कंडीशंस को असेस करें और उस हिसाब से प्लान करके अपनी गेम खेलें।